सो फ्रांस अब ये ना मैंने अपना गेटअप चेंज कर ली हूँ। धार्मिक वाला बुक वगैरह था तो इसको भी पूरा खराब कर दिए हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी ना सुबह का टाइम है और हम लोग ना वहाँ से आके ना मैं बाहर का सारा काम कर ली हूँ, बर्तन वगैरह मैं धो ली हूँ। सो मेरा ना तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा पेट दर्द कर रहा था मेरे को, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट गई हूँ। तो अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है। अभी ब्रश वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं, नहाए वहाए नहीं है, नहाएंगे ब्रश करेंगे और ये मस्ती कर करके है, मस्ती बॉय। सो अभी भी थोड़ी थोड़ी ना बारिश हो ही रही है। सो चलिए पहले ब्रश वगैरह करते हैं, बाहर निकल के देखते हैं। सो मैं यहाँ गई हूँ कुआँ साइड ब्रश करने के लिए और मैं लक्की वे लेके आई हूँ। तो आज सोच रही हूँ कि यहीं पे नहाऊँ कुआँ के पानी से। तो बारिश भी हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो नल में नहीं जाऊँगी अभी, लेट भी बहुत ज़्यादा हो गया है। और यहाँ पे देख सकते हो पानी बहुत ही ज़्यादा साफ़ है। पहले तो यहाँ का पानी पीते थे बट अब नहीं पीते हैं। और ये देखिए बाल्टी है डूबने के लिए, पानी निकालने के लिए। सो अभी निकालूंगी, तो पहले फटाफट से मैं ब्रश कर लेती हूँ। तो फ्रांस अभी है ना मैं अपना गेटअप चेंज कर ली हूँ। सो ये देखिए अभी बारिश हो रही है ना, तो थोड़ी थोड़ी, तो उससे मेरे बाल जो है भीग रहे थे, तो मैं ये वाला जुगाड़ लगाई हूँ। तो बाल इससे ना नहीं भीगेंगे, ये झिल्ली है, झिल्ली को मैं अच्छे से बांध ली हूँ और बाल को अच्छे से समेट के अंदर कर ली हूँ, तो इससे बाल नहीं भीगेंगे, तो अच्छा है ना वैसे। तो अभी मैं आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, मैं कुआं में नहाऊंगी, इसीलिए मैं ना ये वाला गेटअप कर ली हूँ। नहीं तो बाथरूम में नहाती हूँ, ले जाकर नहा लेती बट नहीं ले जाती, रहूँगी यहीं पर नहाऊँगी। मस्त अच्छा है ना वैसे ठंडा ठंडा पानी में नहाना, और बारिश का मौसम है तो बहुत ही मज़ा आएगा। वैसे मैं तो अपना कपड़ा वगैरह लेके आ गई हूँ, तो पहले पानी वगैरह निकाल लेते हैं और फिर नहा लेती हूँ। सो चलिए फ्रेंड्स, मैं ना नहा धो के फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। सो फ्रेंड्स अभी है ना मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ और मैं बना रही थी खाना। सो खाने में मैं बना रही हूँ हामट, तो उसी के लिए मैं इधर फिर से आ रही हूँ बाड़ी साइड। सो मेरे को ना धनिया लेना है, तो इसलिए मैं ना धनिया के लिए आ रही हूँ। सो खाटा वाला धनिया तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है वैसे, तो वही लेने आ रही हूँ। सो चलिए पहले तोड़ लेते हैं। सो फिर देखिए मैं यहाँ से तोड़ लेती हूँ, फिर देखिए ऐसे वाले बन को। सो फ्रेंड्स इतने काफ़ी है, हो जाएंगे। सो चलिए मैं तो धनिया ले ली हूँ और अब चलते हैं रूम में, तो फटाफट से बना लेंगे अभी। और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो पता नहीं बाद में छूटेगा कैसे। तो सो फ्रेंड्स मेरे रूम की हालत कुछ ऐसी हो गई है, तो अभी सफाई करना पड़ेगा। झाड़ू वगैरह मैंने ही लगाई हूँ, और ये वाला हाम है तो उस दिन का हाम रखा हुआ था, ये ना अपने आप पक गया, मैं देखी भी नहीं, तो ये फिर है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। सो ये देखिए मैं ना पपीता बास्ता और ये वाला ना सेमी है, इसको सुखाई थी तो ये वाला डाल दी हूँ। अब ये ना हो गया है, तो अब इसमें ना बस ये डालना है चावल जो बना के रखी हूँ ना, इसका पेस्ट। तो इसको पीस के लेके आई हूँ ना, तो इसी को बनाऊँगी। सो पहले मैं ना सब्जी ना बना लेती हूँ। सो फाइनली मैं सब्जी बना ली हूँ, और पास ना मैं थोड़ा सा झाड़ू वगैरह भी लगा ली हूँ। सब्जी खाते हैं गरम गरम आमोट बास्ता और पपीता की, और मैं छन्ना डाली हूँ और बरबट्टी का बीज, तो इसी का बनाई हूँ। और यहाँ पे ली हूँ मैं पेज। चावल अभी मैं नहीं खाऊँगी, तो गरम गरम आमोट ही खाऊँगी। सो पहले मैं फटाफट से खा लेती हूँ, और बाबू इधर है तो वहाँ पे खेल रहा है। सो ये देखिए जो नीचे मतलब सब्जी लगाए थे ना, तो अभी थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, सो आप लोग देख सकते हैं। देखिए तो इसीलिए ना ऐसे लकड़ी में लगाए हुए हैं, ताकि जो
ये वाला जो है ना वो अच्छे से मतलब इधर फैल जाए, लकड़ी के ऊपर में फैल जाता है तो अच्छा पकड़ता है, फिर इसलिए इस तरीके से बनाए हुए हैं। आप लोग देख सकते, देखिए और बहुत ही मस्त लग रहा है। वैसे पानी गिर रहा है अभी, और उधर नहीं लगाए हैं, लगाएंगे तो उधर नहीं लगाए हैं अभी, और इधर ना लगा लिए हैं, और उधर कोचई को भी उसमें ना मिट्टी चढ़ा लिए हैं, तो साइड साइड से मिट्टी चढ़ाते हैं ना, तो चढ़ा लिए हैं। सो ये देखिए। सो फ्रेंड्स, अभी टाइम हुआ है 4 बज रहे हैं और बारिश अभी तक हो ही रहा है, पानी तो अभी छूट ही नहीं रहा है, तो सुबह से लेके शाम हो गया बट बारिश अभी छूटा ही नहीं। सो ये देखिए, अभी भी हो ही रहा है बूंदाबांदी। सो और अभी मैंने घर का सारा काम कर ली हूँ। सो आंगन में झाड़ू लगाने का बचा है बट बारिश हो रही है, और अभी मैं कंघी वगैरह भी कर ली हूँ, और बाबू को देखो, अरे कहाँ गया, वो तो दिख ही नहीं रहा है, तो वो सोया हुआ है, अभी उठा नहीं है। तो अभी तो टाइम हुआ है 4 बज गए हैं, तो अभी चाय वाय नहीं बनाएंगे, थोड़ी देर बाद बनाएंगे जब बाबू उठेगा थम। सो देखिए, मस्त सोया हुआ है ये तो, और कम्बल उम्बल ओढ़ के। सो फ्रेंड्स, मैंने इसमें रखी थी सामान बट चूहा मन्ना पूरा ख़राब कर दिए हैं। सो देखते हैं, पता नहीं इसका क्या किए होंगे। सो ये देखिए, मैं यहाँ पे रखी थी, ये देखिए बोरी रखी थी, बट ये सबको भी पता नहीं क्या किए हैं मेरे सामान मन का। और ये धार्मिक वाला बुक वगैरह था तो इसको भी पूरा ख़राब कर दिए हैं। और ये वाला, ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये वाला ना जब मैं पढ़ाती थी ना तब का है, तो बहुत ही अच्छी इसमें गण गीत है, अभियान गीत था, और भारत माँ की हाथी था, तो बहुत ही अच्छी अच्छी गीत वगैरह था। सो अभी हम बना रहे हैं लड्डू। सो ये लड्डू नहीं है, सो वही है रेडीमेड फूड, तो उसी का अभी बनाएंगे हम भजिया। सो ये देखिए, इसलिए इस तरीके से हम कर रहे हैं, गोल 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 बना रहे हैं, और इसको कैसे बनाते हैं वो आप लोगों को आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। सो पहले सभी को ना इस तरीके से बना लेते हैं। और अभी हम बना रहे हैं, ये देखिए हमारा पकोड़ा, ये देखिए बहुत ही अच्छी लगती है, इस तरीके से बना रही हूँ मैं, ये देखिए। और अब इसको पलट देते हैं, अरे ये तो गल जा रहा है। मैं ना पकौड़ा को पलट रही हूँ, और आप लोग देख सकते हो गल जा रहा है, तो बनता है बट इस बार कैसे नहीं बन रहा है, तो पूरा गल जा रहा है, नहीं तो अच्छे से बन जाता है, पता नहीं क्या हो गया है। तो सो इसका ना अभी मैं सोच रही हूँ, इस तरीके से तो पकौड़ा बनने से तो रहा नहीं, तो इसलिए मैं ना सभी को यहीं पर ढाल के ना इसका हलवा बना देती हूँ, तो हलवा भी बहुत ही अच्छा लगता है वैसे, तो अब बन नहीं रहा तो क्या कर सकते हैं, तो इस तरीके से मैं फटाफट से अभी ना बना देती हूँ हलवा। सो बन गया है वैसे, तो मैं सोची थी कि पकौड़ा बनाऊँगी करके, बट क्या ही कर सकते यार। सो हलवा ही बना लेते हैं। 4:44 हो गया। मैं सोची थी कि मैं मतलब पकौड़ा बनाऊंगी करके, बट नहीं बना, बनता है बट पता नहीं नहीं बना मेरे से, तो कोई बात नहीं, हलवा तो बना कम से कम, तो ये देखिए हलवा बन गया। सो आप लोग भी खाइए, कैसा बना है वो तो नहीं पता, अभी टेस्ट नहीं करे हैं, और बाबू ना नहीं खाऊंगा बोल के वो गया बाहर खेलने के लिए, सो खाएंगे अभी गरम गरम हलवा। सो क्या ही कर सकते हैं, अब बिगड़ गया तो
तो कोई बात नहीं, हलवा तो बन गया ना, तो हलवा ही खा लेंगे। और इसी के साथ आज की इस वीडियो को करते हैं पे एंड। आज का मेरा ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ एक नई और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये ना मैं ना एक जन को पढ़ा रही हूँ, तो वो हाई है, उसको पढ़ना है ये वाला, ये वाला इसको पढ़ना है। इसको मैं सिखा रही हूँ। आना मेरे गांव, तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के, कुछ कच्चे कुछ पक्के घर है, एक पुराना थाल है। सो ये वाला, सो इसको मैं पहले फटाफट से पढ़ा देती हूँ।